छठे चरण के वो शिक्षक बहाल जिन्होंने बीएड की परीक्षा के जरिए 1 से 5 तक के नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे, अब उनके नौकरी पर तलवार लटकती नजर आ रही है। दरअसल पटना हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि यदि जिन लगभग 20,000 ऐसे नियोजित शिक्षक जो अभी बहाल किए गए हैं उनकी जगह डीलेट वाले जो शिक्षक हैं उन्हें मौका दिया जाए, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ वो पिटिशनर हैं जिन्होंने इस पूरे मामले पर पिटिशन दायर किया था और उनके वकील मेरे साथ हैं इस वक्त माया शंकर मिश्र जी हैं जो इस पूरे मामले में बताएंगे कि किस तरीके से क्या मामला था और किस तरीके से बीएड वालों को अयोग्य घोषित कर दिया गया, अब उनकी जगह जो भरी जाएगी वो डीलेट वालों से भरी जाएगी। सर पूरा मामला क्या है, ये क्या फैसला आया है? देखिए पटना हाईकोर्ट का फैसला आया है क्योंकि यहाँ नोटिफिकेशन जो हुआ था एनसीटीई का 26/6/2018 को कि बीएड वाले अभ्यर्थी को उसमें सम्मिलित किया जाएगा 1 से 5 के लिए बीएड जो डिग्रीधारी हैं वो उपयुक्त हैं, जिसके वायरस को चैलेंज जो है हाई कोर्ट में किया गया उसी समय। और उसके बाद राजस्थान सरकार ने बीएड वाले को नहीं नोटिस उसमें 1 से 5 में नहीं लिया था तो लोग वहाँ केस कर दिया राजस्थान हाई कोर्ट में। राजस्थान हाई कोर्ट में बीएड वाले को कह दिया कि नहीं भाई आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि आरटी एक्ट का जो सेक्शन जो है 23 उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 से 5 के लिए क्वालिटी टीचर होना चाहिए, उसके लिए उपयुक्त हैं डीएलएड, क्योंकि जो डीएलएड की पढ़ाई की जाती है जो कि छोटे छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा वो बीएड वाले को नहीं पढ़ाई जाएगा, यानी बीएड वालों को अयोग्य घोषित। हाँ हाँ, तो उस आधार पर यहाँ हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर किया गया, हम हाल में किए थे क्योंकि चूंकि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस एथी को क्वैश कर दिया है नोटिफिकेशन को, तो उस नोटिफिकेशन को चूंकि ऑलरेडी केस पेंडिंग भी एक्ट है उसी आधार पर ये नोटिफिकेशन को कैंसिल किया जाए, सेट असाइड किया जाए और बिहार सरकार के उसके बाद जो उस नोटिफिकेशन के बाद जो भी आया है नियुक्तियाँ हुई जो रूलिंग रूल बनाया गया कि नहीं बीएड को लिया जाएगा उस ज्ञापांग को भी आप रद्द कीजिए तभी ना आगे एक रास्ता साफ होगा। यानी जो बीएड के जरिए जो भी नियुक्तियां हुई हैं उनको रद्द किया जाएगा, रद्द करने के लिए वो भी यहाँ पर था प्रेयर। उसमें स्थिति बनी केस सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है डबल बेंच का ट्रिपल बेंच का इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया। कल 6 को ये जजमेंट पे पोस्ट हुआ जिसमें आदेश आया है कि बीएड वाले जो हैं 1 से 5 के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि वह क्वालिटी टीचर हैं ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है डीएलएड उसके लिए उपयुक्त है, इसलिए 19 की बहाली में जो बीएड वाले कैंडिडेट जो बहाल हो गए हैं उस बहाली को फिर से रीवर्कआउट किया जाए। रीवर्कआउट करने के बाद 2010 का जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है उसी पर बेस्ड होगा। हाँ, जो भी पैनल बनाया जाए जितना बीएड वाले हटेंगे तो डीएलएड वाले उसमें आएंगे, उसके जगह पर जो भी सीट बचती है उस पर डीएलएड की बहाली। बिल्कुल, तो डीएलएड वालों को अब जो है मौका दिया जाएगा इस पूरे मामले पर जो इन्होंने पिटिशन दायर किया था, इस पूरी याचिका लगाई थी। वो वीर सिंह मेरे साथ हैं, इनका नाम वीर सिंह है। सर पूरा क्या मामला हुआ था जरा मुझे आप विस्तार से बताएं, लेकिन शॉर्टकट में बताएं कि अब क्या होगा। सर जो कल जो फैसला आया था उसके साथ तीन रिट पटिशन दायर थी, 50/53/2021 रिट पटिशन था जो ललन जी के द्वारा दायर किया गया था, 59/2022 जो रिट पटिशन थी वो संजय जी के द्वारा दायर किया गया था, उसमें बहुत सारे पटिशनर हैं और ललन जी के साथ भी बहुत सारे पटिशनर हैं। जो फैसला आया है कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया, क्या इस फैसले में अब बीएड वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्या उनकी जगह आप लोगों को जो डीलेट वाले हैं वो लोग उन लोगों को किया जाएगा? सर हमारी रिट पटिशन थी 16/055/2023, तो हम लोग की प्रेयर यही थी कि बीएड को हटा करके हम लोग को नियुक्ति दिया जाए क्योंकि वो गजट को हम लोग चैलेंज किए थे। आप यानी ज़्यादा योग्य है इसलिए? सर हमारी ट्रेनिंग ओनली 1 से 5 के लिए स्पेशल ट्रेनिंग हुई है। 1 से 5 के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के? हाँ, तो हम लोग का ये हक बनता है कि उस सीट पर हम लोग की बहाली होनी चाहिए। तो ये जो अभी जो बहाली हुई है बीएड वाली वो बहाली अब कैंसिल हो जाएगी?
बहाली कैंसिल हो जाएगी सर, हम लोग का ये कहना है सेवा मुक्त कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर डीलर वालों को अवेलेबल है, को उन लोगों को ब्रिज कोर्स करना था, ब्रिज कोर्स सरकार नहीं कराई है, कोर्ट से भी उन लोगों को ऑर्डर पास हो गया कि उन लोगों को सेवा मुक्त किया जाए, टर्मिनेट कर दिया गया है उन लोगों को। और अब हम लोग माननीय इस पूरे मामले में जरा वकील साहब हैं, जो एक बार फिर से उनकी राय ले लेते हैं। कानूनी पहलू है कि चूंकि सुप्रीम हाई कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब आदेश पारित कर दिया है तो उसको फॉलो करना चाहिए सरकार को, उसके बाद उस नहीं फॉलो करेगा, अगर किसी को जाना होगा अगर उससे गरीब है तो उसके लिए आगे कोर्ट है अपना जाए। देखिए दरअसल इसलिए इस बात पर हम बार बार जोर दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और ये लगभग 22,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनके ऊपर तलवार लटकती नजर आ रही है इस फैसले से। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, लेकिन ये जो फैसला है सर, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके बारे में, आप उसके बारे में, उस फैसले के अनुसार तो हटना तय है, डीएलएड की बहाली उसके जगह पर होना तय है। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखा आपने कि सीधे तौर पर यह कहना है कि जो भी नियोजित शिक्षक बीएड के आधार पर बहाल किए गए हैं उनका हटना तय माना जा रहा है। कानूनी प्रक्रिया और जो भी नोटिफिकेशन निकाले गए थे उसके आधार पर वो अयोग्य जो है वो घोषित किए जाते हैं, ऐसे में जो डीएलएड वाले हैं उनको मौका दिया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब जो बीएड करके जो नियोजित शिक्षक बने हैं उनके सामने क्या विकल्प बचता है। सहयोगी साकेत के साथ केशव सुमन सिंह, पटना।